गाइस आजकल मैं देख रहा हूँ लोग हाथ तो धो रहे हैं लेकिन बिना साबुन के। तौबा। हम लाइक काफी लोग समझ गए होंगे टाइटल एंड थंबनेल देख के वीडियो किस पर होने वाली है। तो आज तुम्हारा ये बीट बताने वाला है कि आप लोग परफेक्ट साउंड इफेक्ट जैसे यूज कर सकते हो। लाइक इसमें लोगों की वीडियो देखकर आजकल ये देख रहा हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा लोगों की मेरी वीडियो में देखा है कि वो गलत टाइम पर गलत साउंड इफेक्ट यूज करते हैं जिससे उनकी वीडियो बहुत ज्यादा खराब लगती है। तो मैं आपको वही बताऊंगा कैसे है कि आप लोग किस टाइम पर कौन सा साउंड इफेक्ट यूज करो जिससे आपकी वीडियो बहुत ज्यादा मस्त बने, एंगेजिंग बने। तो सब गाइस कैसे आप सभी लोग, आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे हो। तो गाइस आज मैं आपके बहुत मजेदार वीडियो देखा जो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। तो बढ़ते वीडियो की तरफ, लेट्स बिगिन टू द वीडियो। तो गाइस जो सबसे पहले और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना कंटेंट क्रिएटर को, वो होती है हम अच्छे साउंड इफेक्ट ढूंढने कहां से। तो गाइस वैसे तो ये प्रॉब्लम मेरे को भी बहुत ज्यादा आती थी, बट गाइस मैंने बहुत मुश्किलों के बाद काफी सारे साउंड इफेक्ट इकट्ठे किए एंड गाइस मैं आपको वाले प्रोवाइड भी कर दूंगा, कहां पर मिलेंगे मैं आपको बता देता हूं। तो आपको सिंपली मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना है। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद वहां पर किसी को चैनल मिलेगा BGM पैक करके। BGM पैक में जाके वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक से गाइस आप लोग डाउनलोड कर लेना, मीडिया फायर की लिंक होने वाली है। तो वैसे भी आप लोगों को साउंड इफेक्ट तो मतलब बहुत ज्यादा हो चुके हैं, बट इनको हम लोग परफेक्ट टाइम पर यूज कैसे करें चलो मैं आपको बताता हूं अभी। तो गाइस सबसे पहले सवाल आता है, हम लोग साउंड इफेक्ट यूज ही क्यों करते हैं अपने वीडियो के अंदर? तो इनके मेन तो दो ही रीजन होते हैं, एक तो कैसे अपनी वीडियो को एंगेजिंग बनाने के लिए, और कैसे अपनी मतलब किसी चीज को आप हाईलाइट करना चाहते हो तो कैसे वहाँ पर आप लोग साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हो। लेकिन काफी लोग यहाँ पर ही हक देते हैं, जो यहाँ पर जो साउंड इफेक्ट यूज करना होता है वहाँ पर वाला साउंड इफेक्ट यूज ही नहीं करते हो। जैसे कि ट्रांजेक्शन इफेक्ट आ गया, क्लिक इफेक्ट आ गया एंड ऐसे ग्लिच इफेक्ट आ जाते हैं काफी तरीके के। अब देखो जैसे कि आपको किसी वर्ड को अपने वीडियो में बहुत ज्यादा हाईलाइट करना है तो वहाँ पर कैसे आप लोग क्लिक इफेक्ट यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप किसी को अपना थंबनेल या फोटो दिखाना चाहते हो, जैसे कैसे फोटो आता है वहाँ पर कैसे आप लोग क्लिक इफेक्ट यूज कर देते हो तो यहाँ से बहुत एंगेजिंग लगता है देखने में। एंड आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट यूज करना है, ट्रांजेक्शन इफेक्ट कैसे आप लोग उस जगह पे यूज करते हो जहाँ से कैसे आपकी क्लिप चेंज हो रही है, कोई इफेक्ट आ रहा है, जैसे कैसे आपको कोई फोटो वगैरह आ रहा है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर अपनी क्लिप चेंज की, यहाँ पर मैंने अपना ट्रांजेक्शन वाला इफेक्ट लगाया है, यहाँ पर देखो इतना अच्छा लगाता है। लेकिन कैसे आपको एक चीज का अपनी वीडियो में बहुत सही तरीके से ध्यान रखना है कि इंट्रो के लास्ट 30 सेकंड में आपको बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन एंड साउंड इफेक्ट यूज नहीं करने हैं। वो सब कोई कोई ज्यादा साउंड इफेक्ट लगाने से वीडियो बहुत ज्यादा अगली लगने लगती है, काफी गंदी सी लगती है देखने में। तो बस आप लोगों से जितना हो पाए उतनी वीडियो क्लीन बनाने की कोशिश करो, मतलब खास करके आपका इंट्रो है ना उसको बहुत क्लीन एंड काफी साफ रखने का कोशिश किया करो। एंड जो अपना वॉइस वाला इफेक्ट है इसको थोड़ा इग्नोर किया करो, इंट्रो का ज्यादा यूज मत किया करो, ज्यादातर आप लोग माउस क्लिक यूज किया करो। इस टाइप के इफेक्ट ना बहुत स्मूथ एंड क्लीन लगते हैं। एंड ये आउट ऑफ टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, काफी बंदे लाइक जो अपना बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड मतलब बहुत ही ज्यादा रखता है, बहुत बेकार भी लगता है फिर देखने में। तो कैसे आप लोग सोचते हैं आप लोग कितना रखे, तो कैसे आप मतलब ज्यादा मत रखा करो, 5-6 रखा करो, 5-6 से ऊपर उसको क्या ही मत करो। तो कैसे भी अपन आपको दो क्लिप प्ले करके बताता हूँ, आप लोगों को बताना आपको दोनों में से कौन सी क्लिप ज्यादा अच्छी लगी। तो आज मैं रिक्रिएट करने वाला हूँ सैंड पेपर स्प्रेडर का ही वाला थंबनेल। तो वीडियो का एंड तक वॉच करना, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कैसे कैसे आप लोग इस टाइप का थंबनेल बना सकते हो। और गाइस जितना भी सारा एलिमेंट्स मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ सारा कुछ आपको मेरे डिस्कॉर्ड पर मिल जाएगा, तो टेंशन फ्री हो जाओ। गाइस जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज गाइस हम 14,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, फटाफट से करा दो यार। सो लेट्स बिगिन टू द वीडियो। तो आज मैं रिक्रिएट करने वाला हूँ सैंड पेपर स्प्रेडर का ही वाला थंबनेल। तो वीडियो का एंड तक वॉच करना, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कैसे कैसे आप लोग इस टाइप का थंबनेल बना सकते हो। और गाइस जितना भी सारा एलिमेंट्स मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ सारा कुछ आपको मेरे डिस्कॉर्ड पर मिल जाएगा, तो टेंशन फ्री हो जाओ। गाइस जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज गाइस हम 14,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, फटाफट से करा दो यार। सो लेट्स बिगिन टू द वीडियो। हाँ तो आपको दोनों में से कौन सी साउंड इफेक्ट ज्यादा अच्छी लगी? ऑफ कोर्स आपको सेकंड वाली लगी होगी, बिकॉज वो साउंड इफेक्ट काफी अच्छे तरीके से यूज किया गया था। एंड के जो साउंड इफेक्ट होते हैं आपकी वीडियो में जो आपके इमोशन से बहुत अच्छे तरीके से शो करते हैं वो। फॉर एग्जांपल गाइस मैं काफी सारे साउंड इफेक्ट सुनाने वाला हूं, गाइस मैं आपको सारे प्रोवाइड कर दूंगा ये। गाइस आई डोंट नो मेरी वीडियो कैसी बनी है, बट पता नहीं गाइस मैंने अच्छी बनाने की कोशिश की। एंड गाइस आई होप गाइस आपको ये वीडियो हेल्प भी करने वाली है। एंड गाइस मेरी थोड़ी वॉइस चेंज लग रही है उसके लिए इग्नोर मारना गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो गाइस मैं मिलता हूं अगली वीडियो साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, लव यू।